किसी को शौक लगता है क्या लड़ाई करने का? लड़ाई कोई तभी करता है जब कोई उसको छीनता है, मारता है, पीटता है, लूट के ले जाता है, तब कोई मजबूरी में लड़ाई करता है। 126 गांव आप सोच रहे हैं, आप लोग कितना गांव घूमे हैं? कतो गांव नहीं, चूंकि पुरुष लोग हो सके 30 को 40 को गांव घूमा होगा। आप लोग तो मासीर मासीर घर, पिसीर घर, बापेर घर, ससुर घर, इससे ज्यादा गए हैं क्या? सोचिए 126 को गांव को ऐसे हटा दिया जाएगा। अगर वो डैम बन जाता है 126 गांव, हमको लगता है आपका सरायकेला का जो ब्लॉक है शायद पूरा ब्लॉक में उतना गांव होगा। हमारे टोपचांची ब्लॉक में 117 ही गांव है, यानी पूरा ब्लॉक में उतना गांव नहीं है जितना गांव एक डैम बनने से हटा दिया जाएगा। किसके लिए डैम भाई, किसके लिए डैम बन रहा है, किस लिए डैम बन रहा है बताइए? यदि डैम बिजली के लिए बन रहा है तो यहाँ इचागढ़ का डैम ये है चांदिन डैम, कितना बिजली बनाए और किसको दिए बिजली, ये भी तो सवाल बनता है। ये भी सवाल बनता है कि डैम क्यों बनेगा? नहीं, डैम का पानी खेतों में जाएगा तो कई गो खेतों में पानी पहुंचा, कई गो नहर में पानी है। डैम का पानी यदि खेतों में जाएगा तो वहां झारखंड के लोग बेरोजगार नहीं होते, क्योंकि जो धान उगाने वाले गेहूं उगा के खा लेते। धान तो वर्षा का पानी से होता है, वर्षा के जल से धान होता है, यदि डैम का पानी खेत में जाता तो गेहूं हो जाता। लोग बेरोजगार कब होते हैं? खेती का समय खत्म हुआ, बेरोजगारी शुरू, क्योंकि हमारे पास साधन नहीं है। तो आप डैम क्यों बना रहे हैं? चंपा सोरेन से पूछा जाए कि क्या मंत्री जी सिर्फ आपकी का परिवार है क्या? आपका बेटा तो फिर विधायक में कभी खड़ा हो जाएगा। अरे मेरा बेटा तो जमीन में खड़ा होने लायक आप नहीं छोड़ रहे। आज खड़ा हो चाहे कल खड़ा हो, चंपा सोरेन जी का बेटा एक न एक दिन बाप का छत्र छाया में विधायक का चुनाव लड़ेगा ही लड़ेगा। लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? यदि उनका बेटा है, खैर हम तो नहीं जानते हैं, उनके परिवार के बारे में नहीं जानते हैं, उनका बेटा विधायक लड़ेगा कि नहीं लड़ेगा? यदि है तो पक्का लड़ेगा। और हमारा बेटा बच्चा, हमारा भाई बंधु जमीन में खड़ा होने लायक आप नहीं छोड़ रहे हैं। 126 गांव का जमीन आप किस लालच में डैम बनने के लिए तैयार है? तो आज इसीलिए लड़ना होगा, नहीं तो आज कहीं चांदी डैम बनता है, कहीं ईचा डैम बनता है, कहीं कोजो डैम बनता है, कहीं जमशेदपुर में कारखाना लगता है, कहीं स्टील बल्लब का बनता है, कहीं उषा मार्टिन बनता है, कहां जाएंगे हम? कहां जाएंगे हम और क्यों जाएंगे? हम क्या दोष किए हैं? हमरा की दोष करे छी? हमादेर की दोष? हमादेर की दोष? ए माटी हमादेर, ए माटी हमादेर पुरखार जोगाल जिनिस, हजार साल से हम यहां रहते हैं, खेती बाड़ी करते हैं, क्यों भाई हमारा क्या दोष है कि हम इस जमीन को छोड़ के चले जाएंगे और क्यों जाएंगे? इसलिए आज जितने भी लोग यहां आए हैं, भारत कानूनी देश है, यहां किसी धर्म की नहीं, यहां किसी जात की नहीं, यहां कानून की चलती है, तो आप पहले कानूनी ही बात कीजिए। यहां यदि वो खेत में मेड़ बनता है मनरेगा के माध्यम से, तो ग्राम सभा किया जाता है, किया जाता है कि नहीं? यहां यदि किसी के खेत में मेड़ बनता है तो ग्राम सभा किया जाता है। आप 126 गांव को डुबाने की तैयारी में हैं, कई गो ग्राम सभा हुआ है? पूछा जाए मंत्री जी से कई गो ग्राम सभा हुआ है? उसके बाद पढ़े लिखे छात्र, नौजवान, पढ़ी लिखी बहने, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि लड़ाई पढ़ाई की है। पहली लड़ाई हम लोग पढ़ाई की लड़ेंगे और आखिरी लड़ाई तो हम लोग जानते हैं किससे लड़ेंगे, वो निर्मल ने बता के गए हैं कैसे लड़ना है। लेकिन हम लोग कानून का सम्मान करते हैं, हम पहली लड़ाई पढ़ाई के साथ लड़ेंगे, कागज कलम के साथ लड़ेंगे, नीति नियम के साथ लड़ेंगे। तो इसलिए नीति नियम आपको जानना होगा कि जब चूंकि सरायकेला जिला में सबसे बड़ा समस्या क्या है, जमीन का,
10,000 फैक्ट्री नदी में बना है क्या? न हवा में उड़ रहा है फैक्ट्री, सब जमीन में लगा है। जमीन किसका है? झारखंडी का है। तो सारे किला जिला में जो सबसे बड़ी समस्या है वो जमीन की है, इसलिए आपको जमीन का कानून जानना होगा। भारत सरकार ने कानून बनाया था 2013 में, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013। वो कानून क्या कहता है कि आप अगर जमीन लेना चाहते हैं डैम बनाने के लिए, स्टेडियम बनाने के लिए, ब्लॉक स्थापित करने के लिए, डीसी का कार्यालय स्थापित करने के लिए, आर्मी का कैंप बनाने के लिए, ले लीजिए। जमीन लेने से कोई नहीं रोका है, लेकिन कंडीशन क्या है? जमीन के बदले जमीन। तो उस कानून में स्पष्ट लिखा है जमीन के बदले जमीन। तो क्या उन 126 गांवों को जमीन के बदले जमीन देने की बात कही गई है? तो फिर मैं उन तमाम 126 गांवों के लोगों से कहना चाहूंगा, आज मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, 126 सेंटीमीटर भी जमीन मत दीजिएगा। अरे 126 गांव यदि बर्बाद हो ही जाएंगे तो क्या आप में मर्दानगी नहीं है? 126 गांव तो ऐसे बर्बाद हो जाएंगे। 126 को सामने निकलिए, तीर धनुष टंगला बैसला लेके और खड़ा हो जाइए। ऐसे तो बर्बाद हो रहे हैं, ऐसे तो 126 गांव खत्म हो जाएंगे। 126 लोग सामने आके सामना कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा, यदि आपको कोई जमीन के बदले पैसा दे रहा है, भूल से भी मत लीजिएगा, क्योंकि हम लोग खेतीहर हैं। हमारा चासा, सवाई चासा ना, सवाई चासा बोटी, तो चासार माने की खेती बाड़ी। हमारा सवाई चासा यदि क्यों मानुष हमारे हमारे हाथे टाका दिवे तो हमारा टाका ते टाका बनाते नहीं पारे। हमारा पारे की टाका ते टाका नहीं ना टाका ते टाका जे गुजरात राजस्थान सेट मलबारी गला ऐसे छे खाने वारा पार में टाका ते टाका बनाए, हमरा टाका ते टाका बनाते नहीं पाए। यदि हम लोग टाका से टाका बना लेते हैं तो जमशेदपुर में जो बड़का बड़का मॉल है ना, हम लोग का नहीं होता, जमीन हमारा है। ये आधा आदित्यपुर और गम्हरिया में जो बड़का बड़का फ्लैट सब है 18 तल्ला और 22 तल्ला का, वो किसका होता? हम लोगों का होता, जमीन हमारी है। क्यों नहीं होगा पता है? क्योंकि हम लोग टाका से टाका बनाने नहीं जानते। 1-2% होंगे हमारे मध्य, एकटा दोटा मानुष आछे जे टाका ते टाका बनाते पारी, सबाई नाय जानी वो, सबाई बनाते तुम्ही नाय, तुमरा नाय पारबे टाका ते टाका आमरा बनाते नाय पारी। यदि पारतलम तो आज के जे फैक्ट्री आछे, आज के जे बड़ा बड़ा तुमरा देखते पारछी यार, मालिकाना हक हमादेर काछे। यदि हमारे लोगों के पास इतना ही दिमाग होता तो जमीन देता, लेकिन बोलता कि इसमें जो भी बनेगा 50-50, जमीन हमारी पूंजी तुम्हारी, बराबर में होगी हिस्सेदारी। हमारे लोगों को पता ही नहीं है ना, उनको क्या समझ में आया था 40 साल पहले जब कोड़ी के भाव जमीन दे दिया, खाया पिया दारू पिया दे दिया जमीन, उसको थोड़ी पता था कि 40 साल बाद क्या होगा। इसलिए भूल के भी 1 इंच भी नहीं देना है। अरे ऐसे इतने लोग बर्बाद हो रहे हैं, पकड़िए हाथों में तीर कमान, पकड़िए कुल्हाड़ी, सामने आ जाइए। एक भूल हो चुकी है, अब दोबारा भूल एकदम मत कीजिए, क्योंकि हमारा गुण ही नहीं है कि हम लोग जमीन से, जमीन के बदले जो पैसा पाएंगे उस पैसा से पैसा बना सके। ये किसका गुण है? सेठ जी का, मड़वारी जी का, जो गुजरात से आए हैं, राजस्थान से आए हैं, उनका गुण है भाई, उनके खून में है व्यापार करना, हमारे खून में है खेती करना। यदि हमारे खून में ऐसा होता तो जमशेदपुर का राजा ये फारसी नहीं होता। टाटा कौन है? खुले मंच में कहते हैं ये भारत का भी नहीं है, ये फारसी है। जमशेदपुर में आके एक फारसी आदमी राजा नहीं बनता।
कोई झारखंड का बेटा राजा बनता यदि हमको बिजनेस करने आता तो। एक फारसिया के यहां ट्रिलियन मैन बन गया और हम लोग पीढ़ी दर पीढ़ी बर्बाद हो गए। इसलिए हाँ ये बात भी आपको मानना होगा कि थोड़ा समय के साथ चलना होगा। इसीलिए अब जमीन है यदि उसमें पानी नहीं आया है आप छोटा मोटा बिजनेस करें जो भी करना है, क्योंकि आपको अभी थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस करना होगा क्योंकि जमाने के साथ आपको चलना होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जमीन किसी भी हाल में मत छोड़िएगा। गधान नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं, हवा खुट्टा गाड़ दीजिए चौप सिंगड़ा पकौड़ी बेचिए, क्योंकि समय एक दिन फिर वापस आएगा कि खेती का महत्व होगा। और कोरोना बता दिया, कहावत भी है ना कि उत्तम खेती मध्यम बान नीच चाकरी भीख निदान, सुने है कि नहीं आप लोग? तोरा सुने थी ना, उत्तम खेती यानी सबसे बढ़िया खेती, उत्तम खेती मध्यम बान, मध्यम माने बीच बीच में, बान माने बिजनेस व्यापार, नीच चाकरी, चाकरी का हम लोग का पुरखा लात मारता था कि नौकर बनेंगे, नीच चाकरी भीख निदान कि भीख मांग के घर चलाते हैं किसी तरह। नौकरी से कितना का पेट भरता है, चाहे नौकरी से जो लोग भी पैसा कमाता है वो खर्चा कहां करता है? जो व्यापार करता है, ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, जो लोग नौकरी से पैसा कमाते हैं वो पैसा कहां खर्चा करते हैं? कपड़ा खरीदने में, जूता खरीदने में, सोना खरीदने में। तो वे लोग कौन है? व्यापार लोग। यानी नौकरी करने वाला पैसा अपना देता है व्यापारी को, और व्यापारी का पैसा कहां जाता है? व्यापारी जो करता है कच्चा माल कौन बनाता है? खेती से ही होता है ना, तो अंतिम तो सबसे खेती है ना। व्यापारी यदि कुछ बना रहा है तो उसका मुख्य कारण किसान और मजदूर ही है। कृषि ही है जो सबका पेट भर सकती है, बाकी दुनिया में कोई सबका पेट नहीं भर सकती है। इसलिए आज इस आंदोलन का मतलब है अपने हक अधिकार को जानना, समझना और उसके लिए लड़ना। यदि तो हमारी बहुत दुर्दशा होगी। ईचा डैम का तो कहानी सुन ली, ये बनने वाला है, एक वो डैम बना है चंडील में, गए हैं आप लोग? तोरा जाए ना वैखाने नौका बिहार नहीं जाए दादी? ठीक है, एक बार आप घूम के आइएगा। चंडील का जो डैम बना है उस डैम को बनने में 116 को गांव बर्बाद हुआ है, 116 गांव। फिर गिनती याद कीजिए, 16 नहीं 116 गांव। सोचिए हमने क्या नहीं दिया,